फ्रेंड्स, जैसा कि लगातार आपके पास नए नए वीडियो पहुंच रहे हैं नए नए रूप में, और आप भी मुझे बहुत अच्छे से बना के इसको जीमेल में भेज रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको अब सिखा रहा हूं पोस्टर मेकिंग, कि हाउ टू मेक द पोस्टर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन पोस्टर, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द पोस्टर। तो ड्राइंग कैसी होनी चाहिए पोस्टर में, कैलीग्राफी कैसी होनी चाहिए, तो मैं वो आज एक बोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, वो आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं उसका कोई टॉपिक नहीं दे रहा हूँ। तो यू हैव टू मेक अ पोस्टर ऑन एनी सोशल इशूज, तो बहुत अच्छे अच्छे सोशल इशूज हैं, और आपको कोशिश करनी है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स हमेशा हमारे मन और मस्तिष्क को सुंदर करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हमें पॉजिटिव थॉट्स को लेकर एक सोशल इश्यूज पे पोस्टर करना है ना। तो मैं आपको पोस्टर का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो मेरा टॉपिक है सेव वाटर। तो हम सेव वाटर पे देखिए, हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें कुछ पोस्टर में ज्यादा ना लिखे, पोस्टर में विजुअल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो एक कोई भी अगर हमारा पोस्टर एक होर्डिंग पर लगा है, तो चलता हुआ व्यक्ति, गाड़ी ड्राइव करता हुआ व्यक्ति उसे देखता हुआ चला जाए कि हाँ इसमें ये मैसेज है। और पोस्टर के मैसेज इतने स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पोस्टर हमेशा सोशल इशूज पर होते हैं, तो इनके मैसेज इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आम आदमी को वो तुरंत समझ में आना चाहिए। तो मेरा बहुत एक मजबूत और स्ट्रांग टॉपिक है, जल है तो कल है, मेरा ये स्लोगन है, जल है तो कल है। तो हम सबसे पहले, मैं आपको ये बोर्ड पे सिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा पेपर है, इस पेपर में मैंने वर्टिकल वो लिया है, और हम इसमें जल है तो कल है बना रहे हैं। तो ये एक मैंने बनाई है ड्रॉप, और इस ड्रॉप के अंदर मैंने पूरा वर्ड बनाया है, और ये बनाए हैं मैंने अपने दो हाथ, कि हम अपने हाथों से इसको संरक्षित कर रहे हैं। और ये आप अच्छे से पहले पेंसिल से बनाएंगे, फिर इसको स्केच पेन से करके कलर करेंगे। और यहां पर बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखिए, लिखने से पहले आप पेंसिल से बहुत लाइट सी दो लाइन डालिए, और इसके ऊपर लिखेंगे आप इस तरीके से, और ये सब कलरफुल करेंगे। देखिए, बहुत बोल्ड लाइनों में होना चाहिए, जिससे कोई भी तुरंत समझ जाए, है ना। और यहां पर नीचे लिख देंगे आप सेव वाटर, और इसकी आप
एक आउटलाइन कर दीजिए, एक बॉर्डर बना दीजिए बहुत अच्छा सा। तो ये आपका एक पोस्टर बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा, जो हम कहीं भी शो कर सकते हैं इसको, और पब्लिक इसको देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि वाटर को सेव जरूर करेगी। थैंक यू वेरी मच। और इसको आप बनाएं, और इस पोस्टर को बनाने के बाद और बहुत कलरफुल करने के बाद इसको मेरी जीमेल की आईडी पर जरूर भेजें, जैसे आप भेजते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।